हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जंक्शन में। स्टूडेंट चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युतकी। अब देखिए स्थिर विद्युतकी में स्थिर का तो मतलब आप जानते हो कि स्थिर होता ही है, स्थिर मतलब रुका हुआ विराम, और विद्युतकी मतलब होता है बच्चों आवेश। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे स्थिर विद्युत के चैप्टर में, आवेश की स्थिर अवस्था पढ़ेंगे हम, आवेश की स्थिर अवस्था का हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। अब सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे आवेश। आवेश क्या होता है? तो देखिए आवेश को हम क्यू या स्मॉल क्यू दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और होता क्या है, देखिए यह पदार्थ का गुण है वह यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। अब सबसे पहले लाइन देखिए, ये पदार्थ का गुण है, इसे देखते हैं कैसे। देखिए समझिए स्टूडेंट्स, पदार्थ जो होता है वो मिलके बना होता है परमाणुओं से, और बच्चों परमाणु इस तरह से समझाते हैं, परमाणु को दर्शाने तरीके से, ये होता है हमारा कक्षा, और कक्षाओं में घूमते बच्चों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो होता है ऋणावेश। देखिए ऋणावेश, जबकि ये होता है नाभिक, और नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव यानी कि धनावेश, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन बच्चों उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, बेचारा अकेला रहता अलग से। ठीक है, तो ये सिर्फ थोड़ा सा बताया पहला पॉइंट कि ये पदार्थ का गुण है। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स को समझते एक बार, ये पदार्थ का गुण के बारे में देखिए, ये परमाणु पूरा, परमाणु में देखो धनावेश भी है और ऋणावेश भी है, ये परमाणु में, और परमाणु से पदार्थ बने, यानी कि हम कह सकते हैं आवेश है, ऋणावेश और धनावेश, जो आवेश है वो किसमें होते हैं, पदार्थ के अंदर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यह पदार्थ का गुण है। दूसरा बच्चों, जब भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हम आवेश को रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, वो आवेश एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, देखिए बाकी अब पढ़ते बच्चों आवेश की मात्रक, आवेश के मात्रक। देखिए आवेश का मात्रक, कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम को हम सी से दर्शाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आवेश का मात्रक कूलाम, और कूलाम को हमने किसे दर्शाया, सी से। ठीक है स्टूडेंट्स, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक वो होता है फेराडे, और फेराडे को हम लिखते हैं एफ से। अब बच्चों फेराडे और कूलाम में क्या संबंध है, एक फेराडे बराबर होता है 96500 कूलाम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है देखिए आवेश का, बड़ा होगा तो छोटा भी होगा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, और आवेश का सबसे छोटा जो मात्रक होता है उसे बोलते हैं हम ESU, स्थिर विद्युत की मात्रक, इसको बोलते हैं हिंदी में स्थिर विद्युत की मात्रक। ठीक है बच्चों, अब संबंध क्या है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU, और इक्वल होता है यही 3 × 10⁹ FR, फ्रैंकलिन के। ध्यान रखिए, तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है तो, और एक ही रिलेशन, ये तो पता ही है आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है बच्चों, क्या होता है आवेश का SI मात्रक, कूलाम, ध्यान रखना आपको। चलिए देखिए आगे एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं, आवेश एक
अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि वो राशि होती है स्टूडेंट ध्यान रखिए जिस पर दिशा नहीं होती, जिसकी दिशा नहीं होती, सिर्फ क्या होता है परिमाण, जबकि सदिश का दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ध्यान रखना ठीक है। चलिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं, अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम किसी अनाविष्ट वस्तु को आविष्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम कोई वस्तु ऐसी है जो अनाविष्ट है उसे आविष्ट कर सकते हैं, मतलब जिस पर आवेश नहीं है तो उस पर आवेश कैसे ला सकते हैं। देखिए तो इसे बोलते हैं आवेशन की, आवेशन की विधियां। देखिए पहली जो विधि है वो आएगी बच्चों घर्षण, हम सब पहले पढ़ेंगे घर्षण विधि। अब देखिए घर्षण विधि में क्या डिस्कस करेंगे, क्या होती है घर्षण बच्चों, घर्षण का मतलब होता है दो वस्तुओं को रगड़ना। तो देखिए कैसे, हमने दो वस्तुएं ली, एक ले ली ए दूसरी ले ली बी, दोनों ही देखो कैसी है अनावेशित, इन पर कोई आवेश नहीं है, देखो बिल्कुल सिंपल है। अब क्या किया, दोनों वस्तुओं को ए और बी को पास में लाके रगड़ने लगा, जैसे हम रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक बॉडी से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाना प्रारंभ करेंगे। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ए से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस पे चले गए, बी पर चले गए, तो यहां पर ए पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई कमी, क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पर जा रहे हैं। तो बच्चों जिस पर कमी होती है ना इलेक्ट्रॉनों की उसे हम दर्शाते हैं प्लस साइन से, धनावेश से, पॉजिटिव साइन से। देखिए तो ए पर क्या आ जाएगा प्लस, जबकि बी पर क्या आएगा माइनस, ये ली बिल्कुल सिंपल। देखिए दोनों बॉडी कैसी थी स्टार्टिंग में अनावेशित, अब देखिए कैसी हो गई है धनावेशित, सिंपल बिल्कुल सिंपल हो गया ना, देखो सॉरी ये तो हो गई है धनावेशित और ये ऋणावेशित, ठीक है स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, छोटा सा सिंपल सा, बिल्कुल ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अगली जो है वह है चालन विधि, अगली जो विधि हम पढ़ेंगे वह है चालन विधि, मतलब चालन विधि से भी हम किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए चालन विधि में क्या करते हैं, वही दो वस्तुएं लेते हैं एक ए और दूसरी ली बी, लेकिन इस बार क्या करते हैं किसी भी एक वस्तु को धनावेश या आवेश ले लीजिए। तो ए को मैंने मान लिया, ए पर जो आवेश है वो धनावेश है, ये कैसी वस्तु हो गई धनावेशित हो गई, और मान लीजिए इस पे आवेश कितना ले लिया हमने क्यों ले लिया, जबकि ये कैसी है अनावेशित है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या किया, दोनों वस्तुओं को चालन में क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों वस्तुओं को पास में लाके टच करवा देते हैं, संपर्क में ले आते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, ए को बी के संपर्क में लाया, लेकिन कैसे, एक चालक तार से, इन दोनों को एक चालक तार से जोड़ दिया। अब चालक तार क्या होता है, ऐसा तार जिसमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो। तो इस पर तो क्या था प्लस था, यह हमें पता है, जैसे मैं इस ए को बी से तार से जोड़ूंगा तो बच्चों ध्यान रखिए इस पर आवेश ज्यादा है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो आवेश ए से बी पर जाना प्रारंभ हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, और कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश बराबर ना हो जाए। कैसे, आपने पानी की टंकियां देखते हो घरों में, दो टंकियां होती है पानी की, एक भरी हुई एक खाली है,
जैसे पाइप से जोड़ोगे भरी हुई टंकी से पानी खाली में जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों टंकियों में पानी आधा आधा बराबर ना हो जाए। इसी प्रकार सेम कंसेप्ट यहां अप्लाई होगा। यहां पर क्या होगा, ए पर आवेश कितना था स्टार्टिंग में, देखो क्यू था ना, तो बी पर कितना आवेश आएगा, क्यू बाई टू, तो ए पर कितना बचेगा, क्यू बाई टू, तो दोनों पे आधा आधा आवेश आ जाएगा और धन आवेश आ जाएगा, और बी पर भी धन आवेश, लेकिन आवेश का मान कितना, क्यू बाई टू, आधा आधा। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो मान लो यहां 10 गुलाम है, 10 गुलाम से यहां 5 गुलाम और यहां पर भी 5 गुलाम। ये हमारी चालन विधि है। एक बार फिर से देख लीजिए, दो वस्तु लेते हैं, एक धनावेश एक अनावेशित, दोनों को चालक तार से जोड़ते हैं, तो चालक तार से जोड़ने पर क्या होगा, जिस वस्तु पर आवेश है वहां से दूसरी वस्तु पर आवेश पर जाना प्रारंभ हो जाएगा, तो बी पर भी आवेश जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों वस्तु पर आवेश बराबर ना हो जाए। देखिए अब क्यू बाई टू और क्यू बाई टू दोनों पर हो गए, दोनों ही धनावेशित हो गई है। यहाँ पे देखिए दोनों कैसी है, धनावेशित वस्तुएं हैं दोनों, ये लीजिए ये चालन है हमारी। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल है, कुछ नहीं है स्टूडेंट। अब थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है और उसे बोलते हैं प्रेरण विधि, इसका नाम है प्रेरण विधि। देखिए तीसरी स्त्री विद्युत की प्रेरण बोल दो या प्रेरण, दोनों एक ही मतलब है स्टूडेंट। प्रेरण विधि, हम प्रेरण विधि से किस तरह से एक अनावेशित वस्तु का आवेश कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले एक वस्तु लेंगे ए, जिस पर मान लीजिए धनावेश है, उसे क्या किया, और दूसरी ले रखी है बी, वही इस पर धनावेश और इस पर अनावेश, या ये अनावेशित वस्तु है, ये कैसी है, ये धनावेशित है मान लीजिए, यानी इस पर पॉजिटिव साइन है। अब क्या करते हैं, प्रेरण में दोनों वस्तुओं को पास पास लाते हैं बच्चों, इस बार संपर्क में नहीं लाएंगे, टच नहीं करवाएंगे, सिर्फ एक दूसरे के पास लाएंगे। तो जैसे ही पास लाएंगे तो देखिए समझिए, यहां पर एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों, छोटा सा कंसेप्ट है, देखिए क्या, देखिए स्टूडेंट अनावेशित वस्तु है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अनावेशित वस्तु में जितने प्लस है उतने ही माइनस है, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज इसमें उतने नेगेटिव चार्ज, जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश है, तो कुल चार्ज कितना हो गया, कुल आवेश कितना हो गया, शून्य हो गया कुल आवेश। अब देखिए क्या किया मैंने यहां पर, समझिए बी है पास में लिया है तो बी को, तो ये जो ए है जैसे पास में लाया है को बी के, तो देखिए मैं ढंग से समझना, ए पर जो धनावेश है ये धनावेश इस बी के अंदर जो ऋणावेश है ना उन पे एक फोर्स लगाएंगे, और अब बताओ ए पर तो प्लस है और बी पर क्या है, माइनस की बात कर रहा हूं मैं पहले, तो माइनस पे फोर्स लगेगा तो कौन सा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, यहां के माइनस बाहर आकर निकल जाएंगे यहां पर, जबकि प्लस जो होंगे उन पे लगेगा प्रतिकर्षण, तो वो पीछे खींचे और जाकर क्या हो जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे, जम जाएंगे, पीछे की ओर अपीयर होंगे। अब स्टूडेंट क्या कर दीजिए आप, दोनों वस्तुओं की बी साइड है ना, बी की बैक साइड को आप क्या कर दो, ग्राउंड कर दो, ये लीजिए ग्राउंड कर दिया हमने, ग्राउंड यानी भू संपर्क, ठीक है, किसी तार से लेकर भूमि से जोड़ दिया उसको, तो ये क्या होंगे, जितने प्लस है वो डिसअपीयर हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, बचेगा क्या बी पर ओनली, ये ऋणावेश, और ये ऋणावेश ही पूरी बी पर चारों तरफ फैल जाएंगे स्टूडेंट, स्प्रेड हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरह से बताइए बी पर कौन सा आवेश आया, ओनली ऋणावेश, तो एक तो कैसी थी पॉजिटिव बॉडी थी, लेकिन बी पर कैसा आवेश आ गया, ऋणावेश, और ए पर तो हमने धनावेश ले रखा था, ये ऋणावेश आ गया बी पर। इस तरह देखिए बी किस तरह थी, अनावेश, फाइनली कैसी होगी, आवेशित होगी, देख लो होगी ना, लेकिन कैसी, ऋणावेश। अब स्टूडेंट बी पर आवेश कितना उत्पन्न हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा, भाई सही है बच्चों, आपसे पूछ लिया जाए, बच्चों बताइए बी पर आवेश कितना आया, आप कैसे बताओगे, आप तो बता नहीं पाओगे ना, तो ध्यान रखिए बी पर आवेश कैसे निकालते, देखिए इसके लिए माना क्यू पर आवेश क्यू है, ए पर आवेश क्यू है सॉरी, और बी पर आवेश क्या है, क्यू डेस है,
हमने ये अज्यूम किया है, माना है स्टूडेंट, तो बच्चों क्यू डेज पर यानी बी पर जो आवेश है वो निकालने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, क्यू डेज बराबर माइनस क्यू वन अपॉन वन माइनस एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आवेश तो जाएगी दोस्तों। अब यहां पर एप्सिलॉन क्या है, आर क्या है, परावैद्युतांक है बच्चों, क्या है ये, परावैद्युतांक, ध्यान रखिए यहां पर थोड़ा सा और कंसेप्ट। धातुओं की बात करें, धातुओं के लिए अभी परावैद्युतांक क्या है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समग्र हो सा पर धातुओं के लिए बच्चों ध्यान रखिए एप्सिलॉन आर का मान होता है ना, परावैद्युतांक का मान होता है अनंत। तो जैसे अब देखिए यहां पर अनंत रखेंगे तो 1 अपॉन अनंत कितना हो गया, 0, 1 माइनस 0 1, 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू, तो यानी धातुओं के लिए आवेश का मान समान होता है लेकिन आवेश प्रकृति में विपरीत होता है बच्चों। एक बार फिर से देख लीजिए प्रेरण में क्या हुआ है, हमने क्या लिए है स्टूडेंट, दो वस्तुएं, एक ए और एक बी, ए है धनावेश, बी है अनावेश, इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन जितना प्लस है उतना ही माइनस है इसमें, तो कुल चार्ज कितना, कुल आवेश कितना, शून्य है, नेट जीरो है, नेट चार्ज, नेट आवेश। अब बच्चों देखिए ए पर जो प्लस चार्ज है उसके कारण बी का माइनस अट्रैक्ट होगा बाहर, जबकि प्लस वाले पे बैक साइड पे रिपल्सन लगेगा यानी प्रतिकर्षण होगा। अब देखिए जैसे ही प्रतिकर्षण हुआ बच्चों होगा क्या, देखिए होगा क्या, यहां पर ए पर क्या हो गया, ए जो है इस पर प्लस और बी जो है उस पर माइनस, तो इस तरह से कोई अनावेश दोस्तों को हमने क्या कर दिया, ऋण आवेश यानी आवेश लिया है। अब देखिए क्यू डेज बराबर माइनस क्यू वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर, और ये परावैद्युतांक। अब देखिए परावैद्युतांक का मान अनंत धातुओं के लिए अनंत होता है, तो इसके लिए क्यू डेज बराबर माइनस क्यू। अब एक छोटी सी बात समझिए यहां पर, देखिए जो आवेश था, आवेश वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो होते हैं धनावेश और एक होते हैं ऋणावेश। यहां पर थोड़ा समझना आपको, आवेश दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश को अपन बोलते हैं पॉजिटिव, ऋणावेश को नेगेटिव। बच्चों समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, यानी दूर दूर जाते हैं समान आवेश, जबकि विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं, आकर्षित। ये ध्यान रखना आपको, जैसे समान आवेश कैसे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लस प्लस आवेश क्या होंगे, मान ली दो आवेश है प्लस प्लस, तो पास में लाएंगे तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, दूर दूर जाएंगे वो। अगर मान लीजिए माइनस माइनस से पास में लाऊंगा तो वो भी दूर दूर जाएंगे, तो वो समान आवेश, लेकिन अगर प्लस माइनस लाऊंगा तो क्या होगा, आकर्षण, यानी वो पास पास आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ओवरऑल है आपका आवेशन की विधियां। ठीक है।